मैं ला रहा हूँ आपके शहर टोरंटो में हम अवार्ड 24 सितंबर 2022 एट फर्स्ट ऑन्टारियो सेंटर. सो टू बुक अप योर टिकट ऑन 24 सितंबर 2022 एट द फर्स्ट ऑन्टारियो सेंटर. To book your tickets, log on to humawards.ca. Murshid re, meri bigdi bana de. मैंने देखी है, लड़कियों के लिए दुनिया बड़ी तंग है. यहाँ पे बेहूदगी और बदमाशी की कोई गुंजाइश नहीं. ज़हन में रखना. वो माँ कहती है कि वो अजनबियों से दोस्ती नहीं करनी. अजनबी से दोस्ती नहीं करनी. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. खैरियत, किसी से मिलना है आपको? ढूंढ रहे थे किसी को. अच्छा अच्छा, तो कोई लड़की वड़की तो नहीं है? ये क्या शर्माता रहता तू यार बख्तू? वो निकाब वाली वो तेरी बहन है? हाँ. नौकरी? हाँ हाँ, तनख्वाह भी मिलेगी और तनख्वाह से ज्यादा टिप्स मिलेगी. कहीं पुराने इलाके से कोई गुल खिलाकर तो नहीं आए? इतना मुश्किल रास्ता क्यों चुन लिया अपने लिए तुमने? औरत साथ हो ना. हेलो, क्या कब कहाँ? दिलावर तो ठीक है, कौन से हॉस्पिटल में? ठीक है, बात हो. क्या बात है मलिक साहब, बताएं मुझे क्या हुआ है? दिलावर पर कातिलाना हमला हुआ है. जी आ रहा हूँ, आ रहा हूँ भाई, आ रहा हूँ. दिलावर खैरियत से है ना? मैं भी चलती हूँ आपके साथ. पहले मैं खुद जाकर सूरत हाल देख लूं. मुझे देखना है अपने बेटे को, मैं चलूंगी आपके साथ अभी. दिलावर खैरियत से. दिलावर, कैसी तबीयत है तुम्हारी? दिलावर, ही इज परफेक्टली फाइन. बहुत ज्यादा खून बह जाने की वजह से कमजोरी हो गई थी. थैंक गॉड कि किसी ने इनके कंधे पे पट्टी बांधी थी, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा खून नहीं बहा और जान बच गई. आप आ सकते हैं मेरे साथ प्लीज? सुबह से शाम तक की ड्यूटी 24 घंटे में कैसे बदल गई है तुम्हारी? पूछ रही हूं तुमसे मैं कुछ, मेरे सवाल का जवाब दो. परेशान हो रही थी, किधर रह गई थी तुम? थाने में थी. थाने में थी तुम? खैरियत तो है? मेरी बात का जवाब दो, सच सच बताओ कहां रह गई, कहाँ रहेंगी थी? माँ कुछ नहीं हुआ है. सुनो, तुम अच्छी तरह से जानती हो तुम्हारे अलावा मेरा इस दुनिया में कोई नहीं,
और अगर तुम्हें कुछ हो गया ना तो मैं अरे माँ 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 मेरी बात सुनो नहीं ज्यादा कोई परेशानी की बात नहीं है मैं कपड़े बदल के आती हूँ मैं बताती हूँ तुम्हें सारी बात कुछ भी नहीं हुआ बिल्कुल परेशानी की बात नहीं खाना लगाओ बल्कि मुझे बहुत भूख लग रही है मुझे थोड़ी लेके गए थे ढाबे पे जितने लोग थे ना सबको गाड़ी में बिठा के ले गए थे मैंने गवाही दी वापस घर आ गए सुना है बड़े जालिम लोग होते हैं पुलिस वाले तुम्हें मारा तो नहीं हाथ तक नहीं लगाया बड़े सारे लोग थे वहां पे लेकिन माँ जो बाइख्तियार लोग होते हैं ना कसम से बड़े बदतमीज होते हैं भाई किसी का कसूर हो ना हो कोई गुनेगार हो ना हो सबको ऐसे गाली दे के बात करें बड़ा मुझे कसम से गुस्सा आ रहा था अल्लाह बेड़ा गर्क करे उन बड़े लोगों का जिंदगी हराम करके रखती है हम जैसे गरीब लोगों की बस ठीक तुम भी कान खोलकर एक बात सुनो कल से ये नौकरी वोकरी खत्म तुम्हारी क्यों भाई बस मैंने जो कह दिया सो कह दिया भाई किस लिए माँ मैं बस ठीक है ना झाड़ू पोछा कर लूंगी मैं हो जाएगा हमारा गुजारा भी तो मैं इतनी मेहनत किस लिए कर रही हूँ परसों कॉलेज में दाखला है मेरा मेरी बात मैंने कहा ना कह दिया सो कह दिया जनाब अच्छा पहले खाना खा लो बात पे एक ही बात वो आदमी कौन था जिसे तुम्हारे होटल में गोली लगी थी पता नहीं माँ तो ये झगड़ा किस बात पे हुआ था मुझे क्या पता मेरा नहीं ख्याल उसका किसी के साथ झगड़ा था किसी और की लड़ाई की जद में आया अल्लाह हाथ बुरी घड़ी से बचाए गोली लगी है पता नहीं जिंदा भी है या मर गया हाय हम कैसी बातें कर रही हो माँ अल्लाह ना करे इतना अच्छा आदमी मर जाए एक मुलाकात में तुम्हें कैसे पता चला कि वो अच्छा आदमी था अम्मा क्योंकि कोई भी नहीं चाहता कि किसी बेगुनाह का खून हो माँ तुम भी ना सवाल पे सवाल सवाल पे सवाल ये आदत नहीं खत्म होती तुम्हारी तने कहती तो तुम ठीक हो लेकिन मुझे बहुत डर लग रहा है तुम्हें पता है ना नया शहर है कैसे कैसे लोग हैं यहाँ के अब आते हैं एक अहम खबर की तरफ मारूफ सियासतदान मलिक शेरजमान ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए इत्तला दी कि उनके इकलौते साहबजादे मलिक दिलावर तेजी से रूबर सेहत हैं और अस्पताल से घर मुंतकिल हो चुके हैं हम बताते चलें कि मलिक दिलावर गुज़श्ता दिनों अंधाधुंध फायरिंग के दौरान गोली लगने से शदीद जख्मी हो गए थे मलिक शेरजमान ने इस हवाले से मजीद कहा उनके इकलौते बेटे पर हमला उनके क्या रहा है ये काम नहीं करना तुम लोगों ने बंद करो टीवी ये काम पर रहो आधा आराम कहीं के वो इन्हें बख्तू तेरे हाथों में जान नहीं है क्या तेरी अम्मा ने कोई खराब लाके नहीं भेजा सॉरी साहब गलती से गिर गया गलती से गिर गया तेरी तनख्वाह से काटूंगा मैं ये पैसे चल जाए जाए काम कर फर्ज उठाई सब कुछ आराम कहीं के काम करने के तो है ही नहीं इसको देखो मस्तियां चढ़ी वैसे यार शीदे मैं अक्सर ये सोचता हूँ कि ये जो बख्तू की बहन है ये कुछ ज़्यादा पर्दे वाली नहीं है अब पर्दा तो इस मोहल्ले की बहुत सी लड़कियाँ करती हैं मगर वो तो कभी कभार नज़र में आ जाती हैं
मगर इस नकाब पोश हसीना को तो उस दिन देखा था बस, उसके बाद कभी नजर ही नहीं आई। यार सात पर्दों में छुपा के रखता अपनी बहन को, ये तो इसकी बहन बहुत ज्यादा खूबसूरत है या बहुत ज्यादा बदसूरत है। सीधे तेरा दिल क्या कहता है? मेरा दिल कहता है कि दिखाने की चीज है भी और छुपाने की भी, और जीते तुझे तो पता है कि मुझे ढके छुपे राज और ढकी छुपी हसीनाएं खोजने का कितना शौक है। मेरा मतलब बिल्कुल ठीक समझा। चल ले चाय पी, ठंडी हो जाएगी, वो भी पी ले। माँ, एनरोलमेंट फॉर्म के लिए तस्वीर बनवाने जा रही हूं। माशाल्लाह से कितनी प्यारी लग रही है मेरी बेटी। कसम से आंखें तरस गई थी तुम्हें इस हुलिये में देखने के लिए। जाने दो माँ, याद नहीं है आपा नसीमा क्या क्या कहानियां बताती थी जब मैं पैदा हुई थी, तो तुमने मायूसी के आलम में मेरा चेहरा तक नहीं देखा था और पूरे एक घंटे तक मुझे गोद में नहीं लिया था। इतनी चाहती तुम्हें बेटे की, और अब जब मैं तुम्हारा बेटा बन गई हूँ तो तुम्हें बेटी याद आती है। अच्छा सुनो, बड़ी मुश्किल से आधे दिन की छुट्टी मिली है, खाना तैयार रखना, जल्दी जल्दी आके खाना खाऊंगी और काम पे निकल जाऊंगी, ठीक है ना? बस मैं जल्दी से आती हूँ। खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़। हेलो, पूरे एक महीने बाद देख रहा हूँ मैं आपको, आप दिखती नहीं है। बंदा कपड़े सुखाने के बहाने छत पर आ जाता है तो, अरे देखिए अगर परेशान होने की जरूरत नहीं, अगर ये तवा तो बहुत गर्म है भाई। चलो अच्छा है, रोटी अच्छी बनेगी। बेतकल्लुफ औरों से हैं, नाज उठाने को हम रह गए। ठीक है आप प्लीज, और जी यस ओके स्ट्रेट बैठिएगा। यस वेरी, कैमरा में देखें, वेरी स्माइल, थोड़ा सा स्माइल, ये थोड़ा रिलैक्स। यस कुछ है यहाँ जल के बुझा है धुआं सा, चल के जहां हूं मैं रुका है कुआं सा, खुद से रूठा हुआ हूं कैसे खुद को मनाऊं, थोड़ा टूटा हुआ रूठा हुआ दिल लेके जाऊं कहां। देखे ना कितना कमजोर हो गया है मेरा बच्चा, अगर तुम्हें कुछ हो जाता ना बेटा मैं तो जीते जी मर जाती। क्या कर रही है आपकी पुलिस, कुछ पता किया उन्होंने? तफ्तीश चल रही है, और आप भी अपने बेटे से कहिए कि बगैर गार्ड्स के इधर उधर ना घूमा करें।
इस शहर में हमारे दुश्मनों की कमी नहीं है, सब ताक लगाए बैठे हैं। खामखा ऐसे सियासी रंग क्यों दे रहे हैं? हजार बार बता चुका हूं कि मेरा इस मामले से कोई ताल्लुक नहीं। तो इत्तेफाक, मैं और कुछ सुनना नहीं चाहता, enough is enough। और तुम बगैर गार्ड्स के घर से भी नहीं निकलोगे और ना ही पब्लिकली कोई बयान दोगे। बेहतरीन सियासतदान वो होता है जो मैं ऐसा नहीं कर सकता और ये बात आप जानते हैं, इसीलिए प्लीज मुझे अपनी सियासत से दूर रखिए। देखा तुमने, इसीलिए तुमने इसको बाहर पढ़ने के लिए भेजा था जहां से इजाजत की डिग्री लेकर आया। आप बस कर दें, अभी तो आया है वो हॉस्पिटल से, उसे सांस तो लेने देना एटलीस्ट, पीछे ही पड़ गए हैं उसके। क्या बात है, थोड़ी जल्दी में वो अम्मा अकेली है ना, खाने पे इंतजार कर रही होंगी। इतनी फिक्र थी तो जल्दी आ जाती। हाँ वो कामों में वक्त का पता ही नहीं चला, फिर शहर के लंबे लंबे रास्ते और ट्रैफिक जाम अलग था। कहाँ गई थी, काफ़ी देर नहीं हो गई? बताया था ना काम पे गई थी मैं। काम काम तो कहे जा रही हो, साफ साफ बता नहीं रही किस काम से गई थी। क्यों, अब ये भी किरायानामे की शर्त में लिखा है कि हर कोई आपको बता के जाए किस काम से कहाँ जा रहे हैं। किस कदर बदलिहाज लड़की, किराएदारों की जबान तो देखो। तो ओ लड़के जल्दी आ, चला कस्टमर नाराज हो रहे हैं। चलो हल्का बोल ले भाई, अम्मी बैठे हुए हैं। और कुछ चाहिए? कुछ और चाहिए होगा तो तुझे ही बोलूंगा। कोई बदतमीज आदमी है, मैं नहीं देने जाऊंगा इसे बिल, तुम देने जाना। अरे टोनी नाम है इसका, बहुत बड़ा बदमाश है, हमेशा इसकी जेब नोटों से भरी रहती है, देने पे आए ना तो बड़ी बड़ी टिप देता है। अबे तू ले ले इसकी टिप, मुझे नहीं चाहिए। तेरा तो दिमाग खराब है। क्या ये बिल लाया? मार खानी तूने, जो चाय लाया था वही बिल लाएगा, समझा? भेजो उसको। पहले ही आ जाता बिल लेने। सारे तेरे। बड़ा चिकना है तू, कलाई तो देख अपनी, मक्खन मलाई जैसे। अरे सुन, ये पैसे तो ले जा। ये हमारा रेगुलर कस्टमर है और आइंदा भी तुमने ही चाय सर्व करनी है इसको, क्या समझा? ख्याल रखना इस बात का।
वो बस मैं कुंडी चेक कर रही थी। कुंडी चेक कर रही थी बेटा, वो अभी मेरे सामने तुमने लगाई थी थोड़ी देर पहले। बख्तावर, बख्तावर बेटा क्या हुआ है? कुछ बताओ तो सही मुझे, कुछ तो बोलो। वो क्या? उसमें डर लग रहा था। बहुत अच्छी मेरी बेटी, मुझे बहादुरी का सबक सिखाते सिखाते आज खुद डरने लग गई। हाँ बस माँ मैं, वो क्या? मैं सोच रही हूँ कि तनख्वाह मिलते ही ना मैं ये ढाबे वाली नौकरी हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दूंगी और फिर नहीं करूंगी। मैं वापस ढाबे पे कभी भी नहीं जाऊंगी। सच कह रही? हाँ। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा हो जाएगा। हाँ वापस नहीं जाऊंगी। वादा कर रही हूँ अपनी माँ से? कैसी तबीयत है बेटा? बेहतर हूँ, कुछ दिन में खुल जाएगी पट्टी भी। अच्छा, तुम्हारे बाबा तुम्हारी सेहतियाबी का जश्न मनाना चाह रहे हैं। यार एक तो ये बाबा को भी ना लोग इकट्ठे करने की पड़ी रहती है। बुरा नहीं मानते बेटा ऐसी बातों का, ये तो हमारे खानदान का दस्तूर है, या यूं कह लो कि रिवायत है। रौनक लगी रहती है, और फिर हुरिया भी तो पाकिस्तान आ गई है। ये हुरिया का जिक्र कहाँ से आ गया? हुरिया का जिक्र क्यों ना हो, हमारी होने वाली बहू है वो। अम्मी मैं आपको इतनी बार कह चुका हूँ कि मेरा शादी करने का कोई इरादा नहीं है। तो बना लो इरादा, क्योंकि तुम्हारे बाबा फैसला कर चुके हैं। उनसे कह दीजिए कि मैं उनकी किसी भी सियासी या बिजनेस डील का हिस्सा नहीं बनूंगा। जो मेरे साथ हुआ वो अपने साथ मत होने देना। पढ़ना, बहुत पढ़ना। अम्मा को यहां से बहुत दूर ले जाना, बहुत दूर। जी आप यहाँ कहाँ? ओ इस यूनिवर्सिटी में पढ़ती हैं? मैं भी सोचो यहाँ पर एडमिशन ले लूँ।
चलिए आइए, मैं आपको छोड़ देता हूँ। मैं खुद चली जाऊंगी। आगे बस स्टॉप बहुत दूर है, आप कहाँ इतनी दूर तक पैदल चलती हैं? मेरा रोज का रास्ता है, मैं चली जाऊंगी। आप बिला वजह मतलब आपने पहचाना नहीं मुझे? मैं बहुत अच्छी तरह से आपको जानती हूँ और पहचानती हूँ, मुझे तंग मत कीजिए। अरे मैं तंग नहीं कर रहा, देखें मैं दोस्त हूँ आपका, आप देखें इलाका सही नहीं, मैं आपको छोड़ दूँ। आपका दिमाग ठीक है? अगर आप मुझे इस तरह तंग करेंगे ना तो शोर मचाऊंगी मैं। शोर ना मचाए, मैं जा रहा हूँ। मलिक, अपनी बच्ची को आज से आपके पास छोड़ के जा रहा हूँ। बस यूँ समझ लें कि ये आज के बाद से आपकी है। मालिक अगर इससे कोई भूल चूक हो जाए तो कम उम्र समझ के माफ़ कर दीजिएगा। नाम क्या है तुम्हारा लड़की? जी नूरा। आप क्यों इसे काम पे छोड़ कर जा रहे हैं? अभी उम्र ही क्या है इसकी, यही तो वक्त है माँ बाप के साथ रहने का। कैसी बातें कर रहे हैं मालिक, आप लोग तो हमारे माए बाप हैं। ये तो हमारी खुशकिस्मती है कि हम जद्दी पुश्ती से आपके मुलाजिम हैं। हमारी तो बच्ची की बाग खुल गए। अच्छा तो तुम यूँ करो कि ये लो। नहीं मालिक, शर्मिंदा ना करें मालिक। रख लो। मेहरबानी साहब, नूरा साहब लोगों की खिदमत बहुत करना, शिकायत का मौका नहीं देना। अब्बा तुम जल्दी तो आओगे ना? हाँ हाँ मैं आऊँगा। अच्छा जी मैं चलता हूँ, अल्लाह हाफिज़। ले जाओ उसको, काम समझा दो। जी मालकिन, आ जाए। अमीर, ये बच्ची तनख्वाह के बगैर काम करेगी? ये लोग 25 साल से हमारे मकरूज हैं और ये अपनी ज़िंदगी में तुम्हारा कर्ज उतार नहीं सकेंगे, इसलिए अपनी बेटी को यहाँ छोड़ के जा रहा है, जो हमारी खिदमत भी करती रहेगी और खाती पीती भी रहेगी। इनके खाने पीने का बहुत मसला होता है, 10-10 बच्चे होते हैं उनके। ये तो जुल्म है, शी इज अंडर एज। गोद ले लेते हैं इसे। जोर जोर से दरवाजा पीटने की क्या जरूरत है? मोहल्ले वाले ना। तो मैंने कहा था मुझे साथ लेके जाओ, अब देखना मोहल्ले में किस तरह बातें बनेगी। अरे बनती है तो बनने दे भाई, मैं कोई डरती हूँ किसी से? बहुत बहादुर हो गई। वक्त और हालात ने इस जगह पे लाके खड़ा कर दिया, बहादुर तो होना पड़ेगा। तनख्वाह मिली? क्यों क्या मालिक मकान फिर आए थे किराए का पूछने? नहीं वो तुमने कहा था ना तुम्हें तनख्वाह मिलेगी तो तुम नौकरी छोड़ दो। अच्छा खाना खाना गरम गरम है, खा लो। ओ बख्तू, ओ बख्तू, बख्तू तू कहाँ जॉगिंग करता रहता है यार, बात तो सुन। काम से देर हो रही है मुझे, तुझे नहीं पता एक बार भाई छोटी छोटी बातों पे बहुत शोर मचाता है। अरे सुन ना यार, तू कोई बहाना कर दियो। क्या मैं तेरा दोस्त नहीं, मेरा कोई हक नहीं? बता क्या बात है। आजा मेरे धड़े पे बैठ के आराम से बात करेंगे, वहाँ पे चला जाओ। आराम से करने वाली बात है ना तो शाम को मेरा इंतजार करियो, तब कर लेना बात। तू कौन सा कोई मैनेजर लग गया यार, जो इकबाल तेरे बगैर नहीं चल सकता यार। क्या बात है? वो सुना है तुम्हारे ढाबे पे गोली वोली चली थी, फायरिंग हुई थी बहुत। अबे जब तुझे सब कुछ पता है तो पूछ के मेरा वक्त क्यों बर्बाद कर रहा है?
अबे तुझे तो पता है ना ये टीवी में सब कुछ थोड़ी बताते हैं, तू वहाँ काम करता है, मैंने सोचा तूने अपनी आंखों से देखा होगा। सुन सुन सुन, वहाँ कोई मरवर गया क्या? इतनी जानकारी नहीं है मुझे, ढाबे पे जाऊंगा तो पता चलेगा। अच्छा सुन 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 सुन, सुना वो पुलिस आई थी वहाँ सबको पकड़ के ले गई? तूने सब कुछ सही सुना है? जीप उठा के ले गई? हाँ। कुछ किया भी है तो नहीं, मारा वारा तो नहीं तुझे? तो मजाक कर रहा हूँ, देख तू तो अपना आड़ी हो गया, अब कचहरी बचहरी भी होकर आ गया है। अगर देख पुलिस वुलिस में कोई काम हो ना तो मुझे बताना, मेरी बहुत पहचान है। बल्कि एक काम कर, तू अपना CNIC मुझे दे, मैं तुझे ना प्रेस कार्ड बना के दूंगा, तुझे फिर कोई भी नहीं रोकेगा। ला दे CNIC। बताइए, मुझे नहीं चाहिए प्रेस का कार्ड। नीचड़ा आदमी है, बाहर निकलने का इंतजार कर रहा होता मेरा छिछोड़ा। बहुत ही घुन्ना है बख्तू, जब भी दोस्ती का हाथ बढ़ाता हूँ मछली की तरह हाथ से निकल जाता है। और कब तक भागेगा मुझसे? इस मोहल्ले में एक भी ऐसा नहीं है जो शीदे के आगे टिक सके, ये क्या चीज है? मिस्टर छुई मुई छोड़ूंगा नहीं। ओ चिकने, ये दो ढाले। छोड़ मेरा, मैं तेरा मुंह तोड़ दूंगा। अच्छा भक्तू दा, तूने फिर कस्टमर से बदतमीजी की? तू जानता है वो कौन? तेरे नखरे पे ना ढाबे की ईंट से ईंट बजा देगा। आज मैंने बदतमीजी नहीं की, क्या एक खबीस आदमी है, वाहियात बकता है, चिकना कह कह के बुलाता है मुझे। पागल तेरा इसमें क्या जाता है? क्या मतलब है तेरा क्या जाता है उस्ताद? इसकी नीयत ठीक नहीं, मुझे नहीं पसंद ये। और बेवकूफ, खराब नीयत से तो औरत डरती है, मर्द नहीं। मर्द की कोई इज्जत नहीं होती है, दूसरे लुट जाने का खौफ। मर्द की इज्जत सिर्फ पैसे में होती है, पैसा है तो इज्जत है, बात। जो भी है, मुझे सिर्फ अपनी मेहनत की कमाई चाहिए और कुछ नहीं। बड़ी नाक है तेरी, इतना गलत हुआ है? जो भी हूँ गलत बात बर्दाश्त नहीं करता मैं। किराएदारों के तौर तरीके और रंग ढंग ना हमें बिल्कुल भी शरीफों वाले नहीं लगते। क्यों, कुछ हुआ है क्या? हुआ तो नहीं, हो भी सकता है। उनकी माँ ने जरूरत से ज्यादा आजादी दी हुई है अपनी औलाद को। वो जवान लड़की जब दिल चाहता है घर से मुंह उठा के बाहर निकल पड़ती। कोई पूछे जरा, जवान जहान भाई सारा दिन घर में पड़ा रहता, बहन के साथ क्यों नहीं निकलता? अरे रहने दीजिए, हमारा क्या मतलब? जैसे लोग भी हैं अपने काम से काम रखते हैं। अब देखिए ना, काम के सिलसिले में मैं हमेशा बाहर आता जाता रहता हूँ। सच पूछे तो आपके अकेले रहने की वजह से ना अक्सर परेशानी रहती है, लेकिन ये कमरा जब से किराए पे चढ़ा है ना, तसल्ली सी हो गई है। खाक तसल्ली, हम तो अब भी सारा दिन अकेले पड़े रहते हैं घर में। ये तो आप क्या चाहती हैं कि वो आपके घुटने से लग के बैठे रहें? जवान लड़का है उस घर में, कैसे आपको इजाजत है तो मेल मिलाप बढ़ाने की? चाय दीजिए मुझे यहां। जी। चल निकल भाई निकल, तुझे अपनी रोजी की फिक्र तो है नहीं, हमारा भी धंधा बंद करवाएगा। मुझे भी नहीं करना इस जगह पे काम, महीना पूरा होने दे, मैं वैसे ही छोड़ के चला जाऊंगा। और चल निकल यहां से, महीना पूरा होने दे। और वैसे भी गुंडागर्दी की वजह से नजरों में आया हुआ। चल मुझे चल। भी नहीं करना बगैर तुम्हें। हाँ बड़ा है, काम ही नहीं करना। ए सुनो, कहाँ जा रहे हो?
मैंने नौकरी छोड़ दी यहाँ से। मेरे पास जॉब करोगे? जी। वो आया तो मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करने था कि उस दिन जो हादसा हुआ सिर्फ तुमने ही मेरी मदद की थी। क्या काम करना होगा? ऑफिस आकर सेटअप देख लेना, तुम्हें अच्छा लगेगा।